यूपी के सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर हाथरस जैसी जघन्य घटना पर सुल्तानपुर पुलिस ने पर्दा डालने का काम किया है। रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की लाश के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। युवती के भाई ने बहन के साथ गैंग रेप होने का आरोप लगाते हुए एक युवक समेत अन्य के खिलाफ कुड़वार थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पीएम रिपोर्ट सामने आने की बात कहकर टाल मटोल एसओ कर रहे हैं। यही नहीं, दुष्कर्म पीड़िता की शव को पुलिस ने जबरन जलवा भी दिया है। गौरतलब है कि कुड़वार थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार की देर शाम युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। दूसरी ओर युवती की आरोपी प्रेमी के साथ 29 सितंबर की शाम आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में स्पष्ट तौर पर युवती ये कहती हुई सुनाई पड़ रही है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स ने युवती के शव का पोस्टमार्टम करते हुए दुष्कर्म की आशंका पर स्लाइड सुरक्षित रख ली है, स्लाइड को जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर्स और मृतक बहन के भाई द्वारा दुष्कर्म की हत्या की आशंका व्यक्त करने के बाद भी तहरीर पर कुड़वार थाने के एसओ अरविंद पांडे मुकदमा दर्ज न करके अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले बंधु आकला चौकी क्षेत्र में दलित युवती से दुष्कर्म करने के बाद रिपोर्ट न दर्ज करने का मामला सामने आया था। जब मीडिया में मामला आया तो सीओ जांच करने पहुंचे, बमुश्किल रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, आरोपी अभी भी पकड़ से दूर हैं। देखा जाए तो जब से एसओ अरविंद पांडे ने कमान संभाली है, तब से जमीनों पर कब्जे का सिलसिला भी तेज हुआ है। कभी पत्रकार को तो कभी फौजी को धमकी मिलती रही है, एक्शन आरोपी की बजाय पीड़ित पर लेते रहे हैं। इस घटना में तो रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की गई है, जबकि पीड़िता का भाई एसपी ग्रामीण से मिला था तो ये आश्वासन दिया गया था कि पीएम रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ मित्र पुलिस अपराधों को मिनिमाइज करने में जुटी है। ऐसे में ये कहा जाए कि सुल्तानपुर पुलिस बेटियों के साथ हो रहे अन्याय में न्याय दिलाने के बजाय हाथरस जैसी बड़ी घटना को बढ़ावा देने में लगी है। मैं राजापुर से आया हूँ। राजापुर से क्या मामला था? मामला ये था साहब कि उसको ले जाके औकाते वहाँ पे बहन को, हमारी बहन को रेनू नाम था, उसको ले जाके उसका बलात्कार और कैसे क्या क्या किया और करने के बाद ले जाके उसको रेलवे पटरी पे डाल दिया। कौन लोग थे? अजय नाम था उसका। कहाँ? मोबाइल एक मिला, और चित्ता का पुरवा का रहने वाला है। वहाँ पे जहाँ पे वो बहन को रेनू को ले जाके, हमें पता चला था कि लमसम छः बजे के आसपास थाने पे गए। वहाँ बोले कि पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद जो रिपोर्ट उसमें निकलेगी वही रिपोर्ट के आधार से मैं FIR लिखूँगा। आपने तहरीर दी है कि नहीं? तहरीर मैं लेके जाके दे के आया। एक एसओ साहब है जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है यहाँ पे? हेलो हेलो हाँ बताओ। कितना पुरवा कहाँ बैठे? हेलो हाँ ये तो लाइन लाइन रखा है यहाँ बस। आप तुम्हारे पीछे लागे ना, कितना मारबो तुम्हारा, जब देखो सब गए ना तो मारे। अच्छा, ये सब हमका सुनाओ खातिर कह आगा अरे ये सब हमका सुनावे खातिर कह आगा हाँ तो रखा जा मारा आप तो सब मार उसे ठीक है। हेलो हेलो बोला रखबा। अरे कौन ना करेगा, वो आज की बात ना मिल जाए चुका।
हाँ तो मरा है वहाँ ना लाइन यहाँ पे। हाँ यार चलता है, देखा गाड़ी आती है लाल पीली बत्ती जलती है। अच्छा पीली बत्ती जलती है। हाँ कौन जगह है भैया? मम्मी हमारी मार्केट निकल गए दुकान आ पड़ी तो सीना था मोबाइल से होते सब ऐसे ऐसे आता वैसे वैसे ये बोले ना गाड़ी आ जाना तुमको मरे साफ पूजा पाठ कर रहे हैं मर जाए तो कौन जगह मरे हो? कौनी जगह हमारा है वहाँ यार ये बहुत सरपा का है हमें खेड़ा है तो बोरी खराब था लाइने किनारे तो कहूँ ना सरपते है ना हमें पेड़ है। अरे ये तालाब बाकी दरवा की दरवा। हाँ तलाउनो नहीं कहूँ लाइने किनारे कहूँ तलाउनो मांगू नहीं अब चलते बीच नहीं जाते। अरे तो लाइनिया किनारा कहूँ तालाब है ये नहीं लेकिन सुल्तानपुर तक यहाँ से लाइक सुल्तानपुर तक लाइनी किनारे कहूँ तालाब नहीं ना नुआ? तो कहा था कि आवती है बहन कहा था नहीं होती तुम्हारे आवाज रखबा कि अब हमका सुनावा तो मरबा अब मरा या वहाँ तुम्हारा हमका सुनाओ क्या करे कहा रखा सुन तो अब जैसे आज के बाद हरी बत्ती हाँ नहीं कहो आए पर चली गई शाम भाई की पैसा ले ही कहीं जा कहीं अब हम हेलो बोला चलो ठीक है मारा रखा सुनो लेकिन ऐसे सुने रहा था तू देखा मेरा करेगा आज के बाद हमको न कहीं देखे न कहीं सुने ना सुनोगे करे हमारे पास सुने टाइम ना है ना टाइम मिल रहे लेकिन दिखाई ना पड़ता कुछ तो कुछ कौने जगह है कौनो जगह हो लाइनिया पे अरे लाइनिया कौनो जगह हो कि बस कुछ दिखाई नहीं पड़ता गिट्टी बाबा कौन जैसे रेगेट लाइन गिट्टी बाबा दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट।